आज का क्राइम पेट्रोल में आपका स्वागत है। क्या आप बोर हो चुके हैं अपने मोबाइल चार्जर के डाटा कॉर्ड से? क्या आप चाहते हैं चार्जर के बोर्ड पे प्लग इन करके मोबाइल को चार्ज करें बेड पे लेटे हुए, वो भी पबजी और टिकटॉक देखते हुए? तो ये घटना है बड़े गाँव की छोटे लड़के की, जिसने ये करने की सपना देखा, सो यूट्यूब से बनाने की कोशिश की और दिमाग में 1 किलो परेशानी लेकर मेरे पास आया। तो दिल थाम के देखिए इस चैनल को। तो हे बंधु, कैमन अच्छे तुम्हें? सो यार, मैं यूट्यूब में सर्च करने के बाद वायरलेस मोबाइल चार्जर बनाने का जो सबसे पॉपुलर टेक्निक था जो उसने मुझे बताया था, वो था कुछ इस तरह का। तो यार, आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये एक फेक टेक्निक है, और इस तरह का टेक्निक से मोबाइल चार्ज काम ही नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर सर्किट तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। ये चीज बस दिखाने के लिए है, जो फेक यूट्यूबर है ना, वो लोग बनाते हैं ये चीज व्यू पाने के लिए, और बेचारा व्यूअर सोचते रहता है कि हो क्यों नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है यार कि वायरलेस मोबाइल चार्जर नहीं है। आज का डेट में देखा जाए तो वायरलेस मोबाइल चार्जर कुछ है इस तरह का। यहाँ पर दो कॉयल है, एक TX कॉयल और एक RX कॉयल। TX कॉयल जो है वो पावर को ट्रांसफर करती है, और RX कॉयल जो है वो पावर को रिसीव करती है। एक कॉयल को अगर दूसरे कॉयल के ऊपर रखा जाए या पास ले जाया जाए तो पावर ट्रांसफर होता है और LED ग्लो होती है। जब TX कॉइल में पावर दिया जाता है, तब उस TX कॉइल के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जो समय के साथ चेंज होता रहता है। और अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर RX कॉइल आती है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से वहां पर करंट जनरेट होती है। इससे मेरा मोबाइल भी चार्ज कर सकता हूँ, पर चार्जिंग बहुत ही स्लो है। जो सब मोबाइल में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है, उसमें RX कॉइल फोन के अंदर ही लगा हुआ रहती है, और TX कॉइल एडाप्टर के अंदर रहती है, जिसके ऊपर आप चार्ज करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लेने के लिए मोबाइल को उसके ऊपर रखना पड़ता है, नहीं तो चार्ज नहीं होगी। पर यार, वायरलेस चार्जर का एक प्रॉब्लम है, जितना पावर ये मोबाइल को देती है उतना ही पावर ये वेस्ट करती है खुद के लिए पावर ट्रांसफर करने के लिए। जैसे आपके फोन में अगर जरूरत है 10 वाट बिजली की, तो वायरलेस चार्जर आपके घर से 20 वाट बिजली खींचेगी। अगर आप अपनी मोबाइल को वायरलेसली चार्ज करने की जो शौक रखते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से सबसे लोएस्ट प्राइस में आपको मिल जाएंगे, नहीं तो बना सकते, क्योंकि बनाने का मजा ही कुछ अलग है। पर वायरलेस चार्जिंग बहुत ही काम का होने वाला है अगर इसको इम्प्रूव किया जाए तो। जैसे आपका काम करने का जो टेबल है वो पावर दे सकता है के ऊपर रखा हुआ लैपटॉप और मोबाइल को, और सिटी बस में हर स्टॉपेज के नीचे अगर वायरलेस चार्जिंग रखा है तो वो बस खुद ब खुद चार्ज हो जाएगी। तो यार, ये वीडियो आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।